चलो आज है ना हम एकदम सिंपल सादी सी फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके खाते हैं। एक्चुअली मैंने मकेन के फ्रेंच फ्राइज़ का रिव्यू किया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर रही थी बिकॉज़ ये बहुत सादा लग रहा था मुझे, और कैसा ना स्पाइसी थोड़ा सा चटपटा खाने के लिए अच्छा लगता है। तो ये स्टिक्स ले लो, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है स्टिक्स। स्टिक्स में मैंने वो जो फ्राइज़ थे वो उसको लगा दिया है प्रॉपरली। अभी इसका इस रेसिपी का क्या नाम है आई डोंट नो, पर मैं इसको फ्रेंच फ्राइज़ पिज़्ज़ा का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो इस पे मैंने लगाया था मेयोनीज़ और केचप। आप लोग चाहो तो जो सॉसेस आपको ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हो, लाइक शेजवान चटनी और रेड चिली सॉस, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मैंने लगा के इसके ऊपर मैंने ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स वो सब ऐड किया। उसके बाद मैंने चीज़ इसके ऊपर रखा, और चीज़ रखने के बाद जो है इसको मैंने थोड़ा सा बेक कर लिया, मतलब मेरे पास पैन था, पैन के अंदर मैंने उसको रख के ढक दिया ताकि वो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब चीज़ मेल्ट होने के बाद अभी इसके टेस्ट की बात अगर मैं करूँ तो इतना कुछ भी खास नहीं था जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत अच्छा बनेगा, वैसा भी नहीं था, ठीक ठाक था। हाँ, बस खाने लायक था, एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी जो चीज़ पुल था ना वो बहुत सेटिस्फाइंग था, और मैंने लेकिन थोड़ा सा कम चीज़ डाला था। अगर आप लोग चाहो तो और ज़्यादा चीज़ ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।